ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई के नए डायरेक्टर नियुक्त कर दिए गए हैं। ऋषि कुमार शुक्ला होंगे सीबीआई के नए चीफ। संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए, हम सीधा उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, ये नियुक्ति किन आधार पर हुई है और साथ ही साथ क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की भी सहमति इस नियुक्ति में है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब ये नियुक्ति किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी से बाहर होगी? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट जो है उसने ये नियुक्ति किया है। उस नियुक्ति का जो आधार था, सीबीआई डायरेक्टर के लिए जो चयन समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा विपक्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे, उसने जो पैनल सिफारिश की थी उस सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया गया था। इन पैनलमेंट के लिए आपको बता दें कि सबसे पहले 83 अधिकारियों की सूची थी जो पहली बैठक में दी गई। उसके बाद कल जब दूसरी बैठक हुई थी तो उसमें लगभग 5 अधिकारियों की सूची उस कमेटी के सामने रखा गया। उस 5 में से 3 अधिकारियों सिफारिश की गई थी और उस पर तीनों ही सदस्य उस बात पे सहमत थे उस इंपैनलमेंट के लिए। और जो एक दिलचस्प चीज मैं आपको बताऊं कि इन अधिकारियों की जो ग्रेडिंग की गई थी उसमें ऋषि कुमार शुक्ला का जो मार्क्स था वो 96% से ज्यादा था और तभी यह तय माना जा रहा था कि ऋषि शुक्ला ही अगले सीबीआई के डायरेक्टर होंगे। जो आधार था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बैरियर तय किया है कि कब से आपकी सर्विस शुरू होनी चाहिए वो तो था ही था, साथ ही साथ करप्शन के मामले में कैसा आपका अनुभव रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसमें आपने कितना काम किया है, सीबीआई में काम किया है नहीं, इन सारी चीजों के आधार पर ग्रेडिंग तय की गई थी और उसमें ऋषि कुमार शुक्ला को ही सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे और उन्हें ही सरकार ने सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट किया है। जी